नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज अपने ग्राम पंचायत में और यहाँ पर मंत्री प्रसाद नैथानी जी आए हैं। पिछले 5 साल के दशक में यहाँ पर शिक्षा मंत्री और पेयजल मंत्री रह चुके हैं ये कांग्रेस की तरफ से। और इन 5 सालों में क्या कुछ बदला है, उस बदलाव में क्या कुछ हुआ है, यहाँ की जनता में आक्रोश कितना है, उन सब के पीछे क्या कारण है कि एक बार फिर से मंत्री प्रसाद नैथानी जी की लहर जो है ना पूरे देवप्रयाग क्षेत्र में चल रही है। साथ ही जो देवप्रयाग विधानसभा है उस पूरे क्षेत्र में मंत्री प्रसाद नैथानी जी की लहर चल रही है। तो चलिए चलते हैं सीधे, वो क्या कुछ कह रहे हैं जनता से। मैं आज आपका बीच में आ जाऊं उन्होंने कई बारों में जानू, लेकिन आज उन्होंने को कुछ विशेष मकसद मकसद यू ची की 2000 अभी जो अपन बोले कि ये मंत्र प्रसाद जी ने कराए, ये फलाने जो उन स्कूल जी उन कराए सो कराए। अरे तब कराए जब तुम जिताए, जब तुम जिताए तब है तो कराए, अगर जितो दे ना तो कखन हो। यख माँ पानी की बहुत ज्यादा क्राइसिस थी ये पूरी बेल्ट पर, और हम लोग श्रवण कुमार याद नहीं कर सकता, यख मुझे श्रवण कुमार जी का वाला हूँ कही। और तय के बाद कई दौरान सारो प्लानिंग बनी, सड़क का होनी चाहिए, यख माँ लिफ्ट पंपिंग योजना कहीं बननी चाहिए, स्कूल कख होनी चाहिए, कख में पुलिया बननी चाहिए, ये सब चीज़ तय टाइम पर शुरुआत करते हैं। और जन मौका मिली तय हिसाब से आपका यज्ञ मां सबसे पहले माता बहनी से पानी की समस्या पहले। दोस्तों ये तो सत्य है कि मंत्री प्रसाद नैथानी जी जब आपका दिल सत्ता में बहुत थे तो उन्होंने जल नहीं आपका हर दिल आपका मैं जगह सही हूँ हैंडपंप की व्यवस्था और करी मैं थी। जब क्लियर उस करता हूँ टाइम इसलिए पे पहले पानी की बहुत दिक्कत हो गई थी तो जब काफ़ी मुझे जगह मकान घर तक पानी की हैंडपंप भी लगाए व्यवस्था गए, वास्ते पर से तो एक बहुत बड़ी पहल थी। और जल पेयजल जब मैंने योजना उसको के तहत इस्तेमाल उन्होंने करना बोल की कहा काफ़ी सारे तो पंपिंग योजनाओं का भी बदरगांव बाकी उद्घाटन सब किया जगह था। तो सब जगह मैं जो सिर्फ पानी आप पाइप देखी और फर्स्ट क्लास प्यारी प्यारी बनी थी ना, और भी प्यारी बनी थी, लसन से लुगा लगाई लगाए सब फर्स्ट क्लास, तो कभी कल्पना नहीं करते हम यन लुए सब, और आप लोगों ने भी नहीं करे होते यख जो चाहिए ढंग से यखो प्याज जो चाहिए बहरा लोग खरीदे ये कभी कल्पना में नहीं करे। लेकिन ये सब प्रयास जब आप करते हैं 2012 में जिताई, तक बाद जो माता बहनों की या हमारा बुजुर्गों की या नौजवानों की जो पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा, तय को मैंने सबसे पहले समाधान करने की बात की। पंपिंग योजना बनी, घर घर पानी पहुँचे, और अभी जो हम दादी हम बताए काम रही और तय पर हमारा पेमेंट भी रही, तो यू आप लोग कहीं बताएं चाहें घर आप समाधान हमारे मंत्री में भी बात है सही, यू मैं इसलिए ये करूँगा क्या बोले हमारे यहाँ में वो खाने आते आप हैं छोड़ो नहीं कहीं भावे तो नहीं अभी से नहीं। यख माँ आपका इंटर कॉलेज माँ इंटर कॉलेज छोटी हाई स्कूल आपका नरसिंह भगवान जी की मंदिर जो जी अपना यकीन बहुत सब, और ये मंदिर का खातिर जो भी आपने हम तय हिसाब से आप लोग बीच में जाए मैं बता दें दुख तो, और यह मयू मंदिर की भगवती को तो ये मंदिर की स्थिति आज देख सकता तो सब काम हो जाला, लेकिन हम लोग कहीं अपना इष्ट देवताओं को अब पर ये पिछले जब मैं आप लोगों अभी मेरा समझ में नहीं आई कि ये अचार भी क्या हुए जा जब मैं सब ज्यादा काम को तक मैं साथ दे लोग बात जो कई बार का हमारे में समझ में नहीं आई, चलो कोई बात नहीं हार जीत लगी इनसे, लेकिन नहीं, फिर नहीं, भी जाना ऊपर जाना अभी भी जो चुन मौका चाहिए अब आर यू मौका चाहिए। पिछली बार जो सरकार में आई कौन बोले कि हम आपके खाते में यहाँ पर कुछ लगाएंगे, बातें चल रही है, लेकिन जो गांव की कुछ महिलाएं होती हैं ना उनका काम होता है बस एक दूसरे के साथ बात करना, पर थोड़ा सुन ले सुनना चाहिए ना ऐसे कभी जब इस तरह से बात चलती होती है। गुड़ी में नमस्कार भाई गुड़ी बात है ना बोल मैंने कहा बड़ी बस पूजा कर मैंने
दोस्तों वाकई में वो 15 जो लाख रुपए पीएम योजना के तहत सभी के अकाउंट में आने वाले थे अभी तक नहीं पहुंचे यार। अभी रास्ते लगे होंगे नहीं अभी, और पहुंच जाएंगे आपके अकाउंट में तो मुझे भी यार बताइएगा जरूर कमेंट में। कौन बोले हम बेरोजगारी दूर करेंगे। अब कौन जब से सरकार में आएगी ना, जब भारी बहुमत में जीती चलिए ना, हम लोग हार गया तो कौन सबसे पहले काम पता क्या करी, कौन सबसे पहले काम करी कि कंट्रोल है दुकान में चीनी मटी तेल और दोनों से कौन बंद कर पहला तो मिट्टी का तेल और चीनी बंद, कंट्रोल की दुकान बंद। दूसरा काम क्या करते हो ना, गैस और सिलेंडर हमारा टाइम पर 460 रुपए की होगा तो सीधा 1000 रुपए होगा। जनपद सिलेंडर में ना उजला उजला ऐसे उजला उजला ये नहीं भाई, सब सब खतरनाक किसान जो फ्री का सिलेंडर सरकार कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति अगर कोई ये बोले कि फ्री में हम आपको देंगे, ये समझ लो वो आपका जेब काटने का पूरा साधन कर रहा है। फिर कहाँ से करेगा भाई, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या मोदी जी का कोई वहाँ खजाना भर रखा हुआ है? अरे पब्लिक का ही पैसा तो है, वो अरबों खरबों रुपए आपने विज्ञापनों पे गुजार दिया और आज स्थिति ऐसी है कि हम बेरोजगारी, आप देखो कि हमने जितने लड़के नौकरी लगाए थे गेस्ट टीचर पूरे 6000 शिक्षा प्रेरक रहे आपके आशा कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती क्योंकि स्थिति देख जाते हो तनख्वाह बढ़ो नौकर कोई मतलब है नहीं। यही प्रकार से जो हमारी पेंशन थे लगाए डबल पेंशन वृद्धा पेंशन मतलब पुरुष थे भी और महिला से भी सुतवन अब ये कर देंगे। हमारा जो अनुसूचित जाति का जो भाई था तो का परिवार का विकास का खातिर जो चीज स्पेशल कंपोनेंट प्लान करी सुतवन कार्ड दी, तो का बच्चों थे वजी फंडल थो सुतवन कार्ड दी। यही प्रकार से आज स्थिति यह थी कि जो जितका भी बेरोजगार दिखाना चाहिए कोरोना काल आई, कोरोना काल में जो भय था लोग हमारा से घर आ गए, लेकिन तो का वास्ता सरकार ने कोई नीति और नीति नहीं बनाई। दैट टाइम पर त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री था और तो बोले कि हमने जो है मुख्यमंत्री रोजगार योजना चला दी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेता 50 होंगे, 50 तरीके की बातें होंगी, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, लेकिन आपको वोट सोच समझ के देना है। 5 साल है, 5 साल के हिसाब से चुनाव अपने हिसाब से करें।